टाइम के मैं चित्रण दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए उस टाइम की चित्रण है। इनके हाथ नहीं लगाऊँ मैं क्योंकि ख़राब हो सकते हैं, तो ये देख लीजिए। यहाँ पर त्रिशूल है एंड हाथ में डमरू है एंड ये देख लीजिए हाथ में ये पूजा करने का है एंड ये मसाल, एक हाथ में फूल, यहाँ पर शेर के ऊपर बैठे हुए हैं। इनके चार हाथ कैसे? ये तो हाथ चक्की वाली बात है। तो ये डांस करती हुई यहाँ पर एंड ये गणेश जी की मूर्ति, तो कुछ इस तरीके की आकृतियाँ बनी हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर। एंड ये देख लीजिए आप, ये भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर और मिली है जिससे, यहाँ पर ये देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर बैठ के रानी अपने सखियों के साथ बैठ कर टाइम पास किया करती थी क्योंकि यहाँ से गार्डन की हरियाली बहुत ज़बरदस्त थी एंड गार्डन के बीच में देख रहे हैं आप वहाँ पर फाउंटेन भी चलता था, लेकिन बट वो अभी बंद पड़ा है, पता नहीं किस वजह से बंद है वो। देख लीजिए हम वापस टनल से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, एक एक गुफा टाइप टनल है तो बहुत ज़्यादा लंबी है। पर वह सीढ़ी अड़ा होता है उसमें, धरे इतनी कितनी लंबी है यार, तो किस हिसाब से बनाया होगा फ्रेंड इस टनल को? ये देख लीजिए फ्रेंड, खत्म होने का नाम ले रही है यार, क्यों भाई? हाँ तो फ्रेंड देख लीजिए, खत्म होने का नाम ले रही है टनल, अभी तक भी चलते जा रहे हैं नीचे की ओर। ओह सभी भी खत्म नहीं हो रही यार, ये इधर क्या है? ये देख लीजिए एक टनल, एक देख लीजिए पूरी गुफा इधर है लंबी की लंबी एंड इधर की ओर भी है पूरी लंबी की लंबी एंड इधर की तरफ भी बनी हुई है, तो हम इधर की ओर निकलते हैं। होल टाइप हमें यहाँ पर भी नज़र आया है, यहाँ पर भी कुछ कलाकार है और ये कलर से। ये देख लीजिए उस टाइम के मैं गेट दिखाता हूँ आपको, कितनी अच्छी लकड़ी का यूज करते थे मतलब ये बनाने में। देख लीजिए फ्रेंड उस टाइम की लकड़ी का गेट, पता नहीं है किस वजह से इन्होंने बंद कर रखा है, अंदर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए एक मिनट फ्लैश जलाना अंदर क्या है चेक करना, तो कुछ नज़र भी तो नहीं आ रहा अंदर इसमें यार। अरे आया है नज़र, रूम है इसमें तो अंदर है यार, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है, छोड़ना रूम ही बना हुआ है और तो कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें अंदर, वो नहीं है। तो इधर से और आगे की ओर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स हम। पर ये आया क्योंकि उस टाइम राजा राजा महाराजा लोग यहीं पर ही बैठा करते थे वो शाम के टाइम एंड यहाँ पर बैठ के पूरा भ्रमण करते थे पूरी इसका वो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंग्रेज लोग आते हैं घूमने, इंग्लिश मैन। तो इधर की ओर बढ़ते हैं हम आगे, तो यहाँ पर बैठ के राजा महाराजा लोग संगीत सुना करते थे एंड ऊपर की जो रानी होती है एंड उसकी सखिया होती है ऊपर से देखा करती थी वो। जो सेना के छोटे मोटे लोग होते थे, जनता होती थी, तो उनके लिए शौचालय बने हुए हैं एक इतने छोटे से कमरे में। देखिए अंडरग्राउंड, पता नहीं अंडरग्राउंड कहाँ निकाला था इन्होंने सब कुछ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे आमेर किला है इसके अंदर एक कैफ़े भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर कुछ भी खा सकते हो, तो खाने पीने की तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कैफ़े बना हुआ है एंड यहाँ पर एग्जिट है, तो अभी हम एग्जिट नहीं करने वाले, अभी मैं ऊपर की ओर जाने वाला हूँ घूमने एंड यहाँ पर आपको ड्रेसिंग भी मिल जाएगा, एक से एक परफ्यूम और ड्रेस वगैरह सब मिल जाएगी आपको यहाँ पर। यहाँ पर अच्छे अच्छे परफ्यूम एंड खाट वगैरह जितनी भी हैंडमेड चीज़ें सारी। अभी तो हम आमेर ही घूम रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं उधर की ओर। रास्ता बंद है क्या भाई? सीधा से अपन उधर की ओर नीचे की ओर चल के फिर एग्जिट मार लेंगे अपन, क्योंकि अपन घूम चुके हैं पूरा। नीचे की ओर निकलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से एक लंबी की लंबी गुफा है ये देख लीजिए, वाह जबरदस्त सीन है यहाँ पर, डिजाइन बनाई हुई है इन्होंने इस जगह पर। और सामने का व्यू, तो सामने में पहाड़ी नजर आ रही है एंड ऊपर भी बना हुआ है एक किला,
तो वहाँ पर हम जाने वाले नहीं हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। यहाँ से एग्जिट का नज़ारा, तो सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ से एग्जिट है। तो चलते हैं यहाँ से और उधर आगे की ओर। तो चलो आओ भाई। हाँ जिंदा भूत है तू भी। तो भाई को मैं डरा रहा था लेकिन बट डर नहीं रहे थे भाई, तो बोल रहा मैं खुद ही जिंदा भूत छू। तो जिंदा भूत है। तो देख लीजिए गाइस आप, जिंदा भूत ज्यादा हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो तापमान है, अभी तापमान 42 डिग्री हो चुका है। 42 डिग्री हो चुका है अभी यहाँ का टेम्परेचर। तो मांगिए दूसरी वाली। इस पर क्या हवा चल रही है यार यहाँ पर, ठंडी ठंडी। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे सामने कैमरा उधर सामने की ओर करता हूँ मैं। मिल गया था बटे, खुला हुआ नहीं था, हमने खोल लिया। अब यहाँ से हम उतर रहे नीचे भूत गुहा की तरफ। ये भूतिया लग रहा है मेरे को ये किला पूरा। देख लीजिए फ्रेंड से लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से चलते और इधर की ओर। चलो भाई इधर की ओर। हो क्या भैया, प्लीज चला प्लीज चला प्लीज चला प्लीज चला फटाफट प्लीज चला। देख क्या है इसके अंदर, लाइट लगी हुई है यहाँ पर। तो ये हम आए दीवाने काज के सुख मंदिर पर। तो हम देखते हैं एक बार दीवाने खास का सुख मंदिर। तो यहाँ पर कांच वगैरह लगाए हुए हैं, तो देख लीजिए आप एक बार। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बट कैमरे से इतना विजिबल हो नहीं पाएगा। कुंडी वगैरह लगा रखी है भी उन्होंने। तो देख लीजिए अंदर पूरा वर्क किया हुआ है इन्होंने इस पर। और इसके अंदर जाना निषेध है, प्रवेश निषेध है। इसके अंदर हम जा नहीं सकते, एंट्री नहीं है। बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गार्डन पूरा। तो हम निकलते हैं अभी यहाँ से, हम बाहर किले गए। जितना घूमना घूमना था तो घूम चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर। तो क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है हमें यहाँ पर घूमते घूमते, तो हम डायरेक्ट अब एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। एग्जिट वाला रास्ता किधर से, आई ओपी वाला होगा एग्जिट, वो देख ली। अब देख लीजिए गाइस, अब फिर मेरा मन होता है इधर की ओर जाने को। देख लीजिए यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है एक अंदर। तो देखो मैं दिखाता हूँ, उठा के दिखाना भाई इसको। गुफा क्योंकि ताला लगा है वहाँ पर, देख लीजिए आप। नहीं तो मैं इसका कभी का उठा देता हूँ। अरे 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 भाई भाई उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। कहाँ लोग ये देख उठ रहा है भाई जी। थोड़ा सा अंदर सोच तो करके आना भाई, क्या है नीचे देखा ना। देख लीजिए गाइस यहाँ पर बना हुआ है तेखाना, कुछ तेखाना टाइप ही है। देख लीजिए आप यहाँ से पूरा जाली लगी हुई है, जाली से नीचे की ओर। यहाँ पर अंधेरा सा हो रहा है, कोई ना। तो फ्रेंड हम एग्जिट की तरफ आ चुके हैं, तो बाहर निकल लेते हैं यहाँ से क्योंकि एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है अब हमारे अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चले थे। क्योंकि टाइम कितना हो गया भाई, कितना टाइम। तो फ्रेंड देख लीजिए हम सुबह से घूम रहे हैं, 10 बज चुकी है। तो अब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए यहाँ से। तो एग्जिट करके निकलते हैं हम। तो यहाँ से निकलने के बाद हम उसको पिकअप कर लेते हैं, एंड पिकअप करने के बाद फिर हम निकलेंगे वापस सिटी की ओर। तो सिटी की ओर भी जाना है अभी, तो हमें घूमना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको हैंडमेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक शॉप है यहाँ पर, ये सारी जितनी भी चीज़ें आपको सारी हैंडमेड मिलेगी। क्यों भैया हैंडमेड है ना सारी ये। हाँ तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए सारी चीज़ें हैंडमेड है। ये देख लीजिए सब, जितना भी आइटम मिलेगा आपको सारा हैंडमेड मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको अत्र भी मिल जाएगा, परफ्यूम भी मिल जाएंगे आपको। देख लीजिए परफ्यूम की सारी क्वालिटी रखी हुई है भाई के पास। तो यहाँ से अब हम वापस की ओर नीचे की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करते हुए, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है हमारे पास। और मेरा DJI के अंदर भी इतनी बैटरी नहीं है जो वहाँ तक सर्वाइव कर ले। मेरा दोस्त के साथ मैं घूम रहा हूँ आज, इनको बहुत परेशान करा मैंने पूरी रात भर सोने नहीं दिया। ऐसा कोई ना,
यहाँ पर आपको जितनी भी राजस्थान ही वाली चीज़ें सारी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो पता नहीं यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बॉक्स, क्योंकि बुक्स के अंदर मेरे को इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें इंटरेस्टेड है सिर्फ घूमने फिरने में। एंड सुरंग का रास्ता, वे टू टनल, ओहो दिस इज़ द टनल वे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यह सुरंग का रास्ता है, यहाँ पर पता नहीं इन्होंने बंद कर रखा है। वे टू टनल, तो इन सुरंगों को मध्यकाल में बनाया हुआ था, तो जब इन पर आक्रमण हुआ करते थे तो एक ही सुरंग बना देते थे यहाँ से निकलने के लिए, तो डायरेक्ट यहाँ से 10-20 किलोमीटर आगे की ओर निकल जाती थी। ये बड़े बड़े कड़ाव उस टाइम पर जब सेना होती थी तो उन सेनाओं के लिए इसके अंदर ही खाना बनाया जाता था बावर्चियों द्वारा। देख लीजिए आप, दोनों इसके अंदर खाना बनता था। एंड यहाँ पर डोंट टच एंड फोटो, तो यहाँ पर एक डांडा बना हुआ है, ये देख लीजिए आप, सॉरी मतलब गाय बनी हुई है। तो यहाँ पर बना हुआ है मीना बाजार, आर्ट गैलरी। तो अब हम निकलते हैं पर नीचे की ओर, यहाँ पर बाहर तो आ चुके हैं किले के, थोड़ा हम सामने की ओर चल के देखते, देखा क्या हो रहा है वहाँ पर। एग्जिट आमेर किला देख लिया हमने पूरा। तो हमारी जो ये वीडियो है, तो वीडियो दो पार्ट के अंदर आने वाली है, आमेर किला पार्ट 1 एंड आमेर किला पार्ट 2 के। तो चलते हम यहाँ से इधर सीधे की ओर, मतलब सॉरी सीधा चलते हम सामने को। देख लिया हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें मिल गई जो पुराने ज़माने की बनी हुई है, एंड पूरी लकड़ी पर बनी हुई है ये। तो आगे की ओर तो पूरे घोड़े बनाए में आते थे, एंड पीछे की ओर यहाँ पर कुछ खड़ा होने का रहता था, एंड घोड़े इनको लेकर भगते थे। पूरे लोहे की है चढ़ाई हुई है इसके ऊपर। जेल भी दिखा देता हूँ, तो ते खाने और जेल खाने कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप। तो कुछ इस तरीके का है, बहुत अंदर तक होता ही है। यहाँ पर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है तो शरबत पिला रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर चावल भी खिला रहे हैं। तो हमने चावल तो ले लिया और शरबत पी लिया, अब हम ये खाने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई फ्रेंड्स तबला बजा रहे हैं। तबला है क्या ये, ढोलकी? भैया थोड़ा पानी डाल लो आज पे। पर तरीके से ब्लूर बाहर की ओर तो आ गया। अब हम चलते हैं हमारी कार पार्किंग में, जहाँ हमारी कार खड़ी हुई है वहाँ से हम कार उठाते हैं, निकलते वापस सिटी की ओर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, आप तक पहुंचती रहे। तो क्या बोलना चाहोगे भाई आज के हमारे व्लॉग में? मज़ा आया नहीं आया? बहुत मज़ा आया। कितना मज़ा आया? बहुत। तो मिस्टर आरिफ पोगे को भी मज़ा आया? और सॉरी सॉरी भाई, मजाक कर रहे हैं यार भाई, यार मजाक कर सकता हूँ भाई से। देखिए भाई, तो मिलते हैं गाइस अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।